जो आप लोगों को स्टेट ट्री, स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल क्यों एडवांस है सर? हर चीज पता होनी चाहिए, है ना आपको? नेशनल एनिमल कैसे कहते हैं ये पता है? अभी बोला था यहाँ से किसी ने, जिसने देखा। टाइगर, टाइगर को नेशनल एनिमल कहते हैं। बर्ड किसे कहते हैं, नेशनल बर्ड किसे कहते हैं? बीकॉक। यस करेक्ट, राइट। तो इनके लिए क्लैप दीजिए, ये बहुत सारे आंसर दे रहे हैं। आप लोग भी आंसर दें, और लोग भी आंसर दें। तो हेडमास्टर जी, इन्हें थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ रिलेटेड हम आपको किसी से डरना नहीं है, ठीक है? हम गप्पे मारने आए हैं, हम यहाँ बस बातचीत कर रहे हैं। वही आ रही है, खुल के बात भी कर रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। आप खुल के बात कर, आप चलते जवाब दे, चंगी तरीके जवाब दे, अच्छे से जवाब दीजिए। मुझे पता है आप सबको आता है, क्योंकि मैं भी आपके जितना छोटा था, और मैं भी जब 6, 7, 8 में था तो मैं भी बड़ा बढ़ चढ़ के जवाब देता था। कोई भी पूछता था नेचुरल एनिमल, आपने अशोक स्तंभ देखा होगा, अशोक स्तंभ में कौन सा एनिमल है, ये सारी चीजें मुझे पता है आप सबने पढ़ी हुई है। और ये सारी चीज और इसी से संबंधित अभी मैं आपके साथ और बातें करूंगा। हाँ, ये तो पेड़ देते हैं मुझे, ये जानवरों को, ये लेपर्ड को क्यों बचाऊं मैं? लेपर्ड तो आएगा, मैं अगर मैं गांव में रहता हूँ तो लेपर्ड आके मेरा शीप होगी, मेरी काव होगी, उसे अटैक करेगा, गोट को उठा लेगा, तो मैं लेपर्ड को क्यों बचाऊं? मैं लोमड़ी को क्यों बचाऊं? मैं भालू को क्यों बचाऊं? एग्जैक्टली, इकोसिस्टम क्या होता है? अब कोई और जवाब देगा। मैं, मुझे लगता है ये एकदम स्ट्रेट है, स्टूडेंट टाइप के हैं, टॉप करते होंगे, मुझे किसी और से जवाब भी दे चाहिए, पीछे से कोई जवाब दे। अरे बगैर आपको नहीं, नहीं जो पीछे देख रहे हैं ना, वो तो छुप गया है, जो छुप गया है जो पीछे वो देख रहा है। हाँ, वो अभी भी पीछे देख रहे, वो अभी भी पीछे देख रहे क्या बात छोटू, आओ निके बच्चे आगे चले जाओ, आ जाओ आ जाओ। हम छोटे वालों से इतने काबल बच्चे हो, घर के गए थे बैठे फर्स्ट क्लास तरीके नाला। अब आप बताओ मुझे कि हमें क्यों मुझे ये लेपर्ड बचाना है, भालू बचाना है, मैं ये क्यों बचाऊं? आपको क्या लगता है क्यों बचाऊं? बताओ। जो कचरों के डिब्बों में जाता है, ये भालू उसी कचरे के डिब्बे में ढूंढते हैं खाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके घर में तो खाना बचा नहीं, क्योंकि हमने तो वहां से खाना हटा दिया। जो चीजें अभी से पहले से हुई हैं, आज आप लोगों को ये प्रण लेना है, ये प्लेज लेनी है कि आगे से ऐसा ना हो। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, या आपको यहाँ आपके टीचर्स ने भी बताया होगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में किसी ने बोला है? Yes, या न्यूज वगैरह, तो आप न्यूज अगर आप रील्स भी देखते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का क्या हो रहा है मतलब? कुछ क्लाइमेट हो रहा है, मौसम बदल रहा है। कैसे? पहले जिस समय बारिश होती थी, अब उस वक्त नहीं होती है। क्या यहाँ तो गर्मी हो रही है, बारिश, तो जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं हो रही है। जितनी बर्फ पहले गिरती थी, अब उतनी नहीं गिर रही है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्योंकि जो हम लोगों ने, जो ह्यूमंस ने इकोसिस्टम को, जो चार पहिए थे उसमें से हमने एक पहिया हटा दिया। हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग पेड़ काट रहे हैं, हम लोग जानवरों को मार रहे हैं, तो इस सब की वजह से क्या हो रहा है, हमारा इकोसिस्टम बैलेंस बिगड़ रहा है, और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। कहते हैं 2000
50 तक करके मारे, ऐसे ही चप्पल फेंक के मार देता है, कोई झाड़ू से मारता है, कोई कैसे मारता है, लेकिन उनका भी अपना एक रोल है इकोसिस्टम में। स्पाइडर का क्या रोल है आपके घर में, किसी ने कभी सोचा है? मकड़ी तो देखी होगी घर पे, वो क्या करते हैं? हाँ जाल तो बनाते हैं, जाल का वो जाल क्यों बनाते हैं? हाँ तो वो क्या करते हैं, आपके घर में जो बाकी छोटे कीड़े होते हैं स्पाइडर उसे खाता है, तो आपके घर अपने आप में छोटा सा इकोसिस्टम है जहाँ स्पाइडर उसे कंट्रोल कर रहा है। अगर स्पाइडर नहीं होंगे और या छोटी छोटे कीड़े मकौड़ों मकड़ियों को खाने वाले कोई नहीं होगा बड़ा स्पाइडर, तो आपके घर में वो ज्यादा फैलेगा। तो इसीलिए बैलेंस के लिए सबकी जरूरत है, और उस बैलेंस से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है बताइए? सबकी तो जरूरत है, गाड़ी में चार पहियों की जरूरत है, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए? इंजन, इंजन चाहिए ना, इंजन से ही चलेगी, और ड्राइवर भी चाहिए, आप सही कह रहे हैं। तो इस अगर मैं आपका लूं ड्राइवर, इस पूरे इकोसिस्टम का ड्राइवर कौन है, कौन है जो कंट्रोल करता है पूरे इकोसिस्टम, कौन काटता है पेड़, कौन पकड़ता है जानवरों को? इंसान। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है इसमें? इंसान। और इंसान इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम सबसे बड़े हैं या हम सबसे ऊपर हैं, इंसान इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितना आप चारों तरफ देख रहे हैं, एक जमाने में यहाँ पे ये स्कूल नहीं बना होगा, है ना, आपके घर नहीं होंगे, वहाँ पे क्या होगा? जंगल होगा। इंसान आए, उन्होंने पेड़ काटे, उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई, फिर वो झोपड़ी के बाद उसे पक्का मकान बनाया, ऐसे कर करके इंसान ने पूरा इकोसिस्टम बदल दिया। तो आप लोग से हम लोग ये उम्मीद रखते हैं, हम लोग अब बड़े हो चुके हैं, मैं 30 का हूँ, ठीक है, आप लोगों की एज अभी कितनी होगी? आपको जमीन बोलनी है या इंग्लिश में बोलनी है, जो भी बोलनी है, फ्रूट का नाम बोलना है, कुछ भी बोलो, एक बोलो मैंगो। अब आप क्या बोलेंगे? आपको बोलना है मैंगो, और साथ में गवर्नमेंट बोलो। अब मैं एक टेस्ट करूंगा कि आप लोगों को कितना याद रहता है, कि जो आपके टीचर कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। मैंगो ऑरेंज, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फ्रूट बोलना है, कुछ भी बोलना है। अगर आपको अभी सामने मेरी टाई दिख रही है, आप टाई भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको मैंगो ऑरेंज और साथ में अपना वर्ड बोलना, ऐसे करके तब तक हम चलाएंगे। और याद, सबको याद रखना है क्या चल रहा है, एनक एनक आपकी बोला ने एनक बोला, आप बोलोगे जो इन्होंने बोला वो बोलना है, उसके बाद आपको एक और ऐड करना, ठीक है? एनक आप बोलोगे, मेरे साथ है आज मेरा साथ, और आज हम आए हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुखदार में वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन के चलते। वाइल्ड लाइफ वीक 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक होता है, जिसमें वाइल्ड लाइफ रिलेटेड अवेयरनेस जनरेशन का प्रोग्राम जगह जगह कराए जाते हैं। इसी संबंध में जेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स मिल के यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम करा रहा है इस सुखदार के इस स्कूल में, जो LOC से काफ़ी पास है, और हम यहाँ के जो बच्चे हैं जो लिटरली ये जंगलों के बीच में रहते हैं, उन लोगों को मैं अवेयरनेस जनरेशन के लिए, उन लोगों को ये समझाने के लिए कि उनका क्या रोल है फॉरेस्ट में, इसलिए ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन और एक मेमोरी क्विज करवाने वाले हैं। सर, आने वाले वक्त में आप तैयारी कर सकते हैं इसी स्कूल में, जो आपने अलग आगे का हमारा प्लान अभी बन रहा है, तो हमारा यह है कि हर महीने एक प्रोग्राम होगा पूरी उड़ी रेंज में। मेरा यह, मैं 3 महीने तक यहाँ पे रेंज ऑफिसर ट्रेनी हूँ, इसके आगे जहाँ भी पहुँचेंगे, लेकिन इस 3 महीने में हमारी पूरी कोशिश है कि उड़ी के मैक्सिमम स्कूल्स को कवर, सिर्फ स्कूल्स ही नहीं, सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या सोशल इंस्टीट्यूशंस हो, हम सबको कवर करेंगे, और वहाँ पे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जितनी अवेयरनेस जनरेशन है उसमें नहीं हम अवेयरनेस जनरेशन करेंगे, बस इन लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि हम यहाँ के लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि एक पार्टनरशिप है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोगों के बीच की, ना कि सिर्फ हमारा। तो आप यहाँ पे आए, आपको क्या लगा? इन बच्चों को देख के मुझे एक चीज़ तो लगी कि
देश का जो भविष्य है वो काफ़ी ब्राइट है। बच्चों को सब समझ में आता है, बच्चे समझ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे बोलने से पहले बच्चे समझ रहे थे कि उन इन्वायरमेंट का क्या रोल है या इकोसिस्टम का क्या रोल है। तो मुझे लगता है कि इन लोग ये लोग जब आगे जाके देश की बागडोर संभालेंगे तो हमारे देश का भविष्य सही रूप में अच्छा होगा। देखा जाए तो ये बॉर्डर एरिया से यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं पहुँच पाती से आपकी क्या अपील रहेगी सर, गुजारिश कह रहेगी जो यहाँ पे बच्चों को नहीं मिलता वो आने वाले वक्त में या एजुकेशन के हवाले से हो या और। देखिए गवर्नमेंट का ही एक पार्ट होके मैं ज़रूर ये सबसे कहना चाहूँगा कि सारे ऑफिसर जितने जिनके ज्यूरिसडिक्शन में एरिया आता है सबको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है देश के जितने भी दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे चीज़ें देर से पहुँचती या पहुँची नहीं पाती, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पक्की सड़क है, इनके पास पक्की बिल्डिंग है, तो इसके साथ हम और भी रिसोर्सेज यहाँ तक पहुँचा, और इसके लिए सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं सब साथ में काम करेंगे तो तब जाके इन बच्चों का भविष्य साकार होगा।